हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ में मोटर फेल्यूर के कुछ रीजंस और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो मेन रीजंस होते हैं जिसके वजह से इंडस्ट्रीज़ में मोटर फेल्यूर देखने को मिलता है। इसके अलावा आज हम ये भी देखेंगे कि आप ऐसे कौन से करेक्टिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्रियल वर्किंग में आपको मोटर फेल्यूर की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जिसके वजह से इंडस्ट्रीज में मोटर फेल्यूर देखने को मिलता है, जो बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि मैं ओवरलोड कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है, बहुत सारी ड्राइव्स होती है जो कभी ना कभी ओवरलोड होती रहती है। पर बात ये है कि क्या आपकी मोटर कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने फुल लोड कंडीशन पर ही चलती है, या फुल लोड कंडीशन से थोड़े ज़्यादा करंट पर ही चलती है और आपको ये नहीं पता कि आपने रिले का सिलेक्शन गलत करके रखा है या रिले की सेटिंग आपने गलत एम्पियर पर सेट करके रखी है, तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट मार के चलिएगा कि आपके मोटर फेल्यूर होने वाला है, आपकी मोटर अर्थ होने वाली है। देखिए, सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो बहुत जल्दी ब्रेकडाउन के तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मोटर हमेशा लोअर देन फुल लोड कंडीशन चलनी चाहिए। इसके लिए सॉल्यूशन जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं वो ये है कि रिले का सिलेक्शन करना बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है इस पर्टिकुलर केस में। दूसरा, रिले का सिलेक्शन आप कितने एम्पियर पर करेंगे ये बहुत मैटर करता है, यही डिसाइड करेगा कि आपके मोटर में फेल्यूर होगा या आपकी मोटर आपको एक लॉन्ग लाइफ स्पैन देने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर जो था जिसके वजह से इंडस्ट्रीज में मोटर फेल्यूर देखने को मिलता है वो होता है सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन। और इसका सॉल्यूशन जो आप इंडस्ट्रीज में यूज़ करेंगे वो होगा कि आपको एक इफेक्टिव ओवरलोड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको ओवर करंट रिले की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही एम्पियर पर रिले की सेटिंग करें ताकि रिले अपना काम इफेक्टिवली कर पाए। देखिए, मैं आपको जो फैक्टर्स बता रहा हूँ ये सभी मेजर फैक्टर्स हैं। इसके अंदर आपको माइन्यूट डिटेल्स भी देखने को मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन की बात की, तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि रिले सिलेक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट है, रिले की सेटिंग सही एम्पियर पर करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको और भी फैक्टर्स बताता हूँ। इसमें जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस भी एक फैक्टर ही है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है लो रेजिस्टेंस। देखिए, लो रेजिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि आपके इंडक्शन मोटर का या किसी भी टाइप के मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये डिग्रेड होने के वजह से वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लो होने लगती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो ब्रेक होने लगा है, उसमें डिग्रेडेशन होने लगा है, जिसके वजह से वाइंडिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होने लगा है, वो वीक होने लगा है, तो ये भी एक रीज़न होगा जिसके वजह से मोटर फेल्यूर की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, बात ये भी आती है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो हो कैसे जाता है। तो देखिए, हमने जो पहला पॉइंट देखा था सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन, ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से आपका वाइंडिंग इंसुलेशन डिग्रेड होने लगता है, वीक होने लगता है। क्योंकि अगर आपकी मोटर कंटिन्यूसली ओवरलोड कंडीशन में चलेगी या फुल लोड कंडीशन में चलेगी तो उस केस में आपके वाइंडिंग में हीटिंग होने लगेगी, और जब ये हीटिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी तो उस वजह से वाइंडिंग में जो आपने इंसुलेशन कर रखा है वो इंसुलेशन डिग्रेड होने लगेगा, जिसके वजह से मोटर फेल्यूर की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरा रीज़न होता है वोल्टेज अनबैलेंस या करंट अनबैलेंस। देखिए, जब भी हम थ्री फेज मोटर्स की बात करते हैं, खासकर जब हम एसी मोटर की बात करते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज में हर जगह इंडक्शन मोटर ही यूज़ होती है, तो ऐसे केस में आपको तीनों फेज में बैलेंस लोड है कि नहीं ये हमेशा चेक करना चाहिए। अगर आपके मोटर के तीनों फेज में करंट बैलेंस नहीं है तो उस केस में भी आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो ओवर अ टाइम डिग्रेड होने लगेगा, जिसके वजह से मोटर फेल्यूर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जिसके वजह से रेजिस्टेंस लो होने लगता है और अल्टीमेटली मोटर फेल्यूर होता है वो है सिंगल फेजिंग की कंडीशन। देखिए, अगर आपके मोटर में सिंगल फेजिंग हो रही है, अगर आपके मोटर में एक फेज मिस हो रहा है, तो उस वजह से भी मोटर में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगती है, और ये भी एक कॉमन कॉज होता है मोटर के जलने का, मोटर के अर्थ होने का। ऐसे में ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके सिस्टम में
सिंगल फेज प्रोटेक्शन रिले अलग से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओवरलोड रिले तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे जो ओवर करंट से आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन देंगे, पर इसके अलावा सिंगल फेज प्रोटेक्शन भी आपके प्रोटेक्शन स्कीम का एक हिस्सा होना चाहिए जो ये डिटेक्ट कर सके कि आपके मोटर में सिंगल फेज की कंडीशन हो रही है और वो आपके सर्किट को तुरंत ट्रिप कर सके। अदरवाइज सिंगल फेज के वजह से मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है, बहुत जल्दी डिग्रेडेशन होता है, जिसके वजह से मोटर फेल्योर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर है दोस्तों ओवर हीटिंग की कंडीशन। देखिए जब हम ओवर हीटिंग की बात करते हैं तो ओवर हीटिंग अपने आप में एक इफेक्ट है, एक रिजल्ट है। मेन चीज़ ये है कि आपके मोटर में ओवर हीटिंग हो क्यों रही है, तो मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ जिसके वजह से नॉर्मली मोटर में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला रीज़न जिसके वजह से आपके मोटर में ओवर हीटिंग हो सकती है वो है कि आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ गए हैं। इसमें भी स्पेसिफिक मैं करना चाहूँगा कि I2R लॉसेस बढ़ गए हैं। अब सवाल ये आएगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में लॉसेस बढ़ गए हैं, या ऐसा कौन सा फैक्टर है जो देखकर हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिस्टम में लॉसेस ज़्यादा है या कम है। तो वो फैक्टर होता है पावर फैक्टर। देखिए अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा है, वो यूनिटी है या नियर टू यूनिटी चल रहा है, तो ये क्लियर कट आपको बताता है कि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और आपके सिस्टम के लॉसेस बहुत कम है। अगर आपका सिस्टम लो पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर है, तो ये आपको ये बताता है कि आपके सिस्टम में I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब भी आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आपके मोटर के हीटिंग में। अगर आपके सिस्टम में I2R लॉसेस बढ़ते हैं तो आपका जो मोटर है वो हीटअप होने वाली है, मोटर में हीटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अगर मोटर में हीटिंग होगी और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो उस केस में भी आपका वाइंडिंग इंसुलेशन वीक होने लगेगा, उसमें डिग्रेडेशन होने लगेगा, जिसके वजह से मोटर फेल्योर की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों एक कॉज और भी है जिसके वजह से मोटर में ओवरहीटिंग हमें देखने को मिलती है और वो होता है हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखिए अगर आपके मोटर में जो स्लॉट्स होते हैं वो स्लॉट्स अगर डस्ट के वजह से पूरी तरीके से पैक हो गए हैं, जैसे अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करें तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत डस्टी होते हैं, तो वहाँ पर आपके मोटर्स में जो स्लॉट्स होते हैं वो स्लॉट डस्ट के वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन मोटर को प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसके वजह से मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मोटर हीटअप होने लगती है, और ये भी एक कारण बनता है मोटर फेल्योर होने का, मोटर अर्थ होने का। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल रीजंस थे जिसके वजह से इंडस्ट्रीज में मोटर फेल्योर हमें देखने को मिलता है। ये फैक्टर्स अगर आपको समझ में आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।